गांव में सड़क और बिजली की समस्या से परेशान महिलाएं जनसुनवाई में पहुंची, कलेक्ट्रेट निराकरण की मांग। शिवपुरी जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को गांव में सड़क और बिजली की समस्या से परेशान महिलाओं ने समस्याओं के निराकरण करवाए जाने की गुहार जिला कलेक्टर से लगाई है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया है कि हम ग्राम पंचायत इटमा के ग्राम रायचंद्र खेड़ी के निवासी हैं। हमारे गांव से मार्ग के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता अत्यंत ही खराब है, जिससे आने जाने में गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके अलावा दूसरी समस्या बीपीएल कार्डधारियों के विद्युत कनेक्शन है, लेकिन डीपी स्थापित नहीं होने से लाइट प्राप्त नहीं हो रही है। महिलाओं ने समस्याओं के निराकरण की गुहार कलेक्टर से लगाई है। देखिए खबर। कौन से गांव से आई हो? क्या समस्या लेके आई हो यहाँ? अरे भैया रोड लाया अमन का जाओ इंदिरे में डे रहता है, लाट चली जाता सिटी लाइन। क्या समस्या आ रही है? रोड नहीं है तो कचरा कैसे नहीं आ रहा है? मरीज मर जाता कट गया बेचारे लाते हैं। अच्छा भाई नहीं पानी भाई मैं कन्नन का दर्द मरीज कैसे सुनान लिया। कौन नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो आप? रायचंद के डी से। अभी यहाँ आई हो कलेक्ट्रेट में, क्या समस्या लेके आई हो? लाइट के बारे में, लाइट के बारे में। अच्छा लोड और लाइट नहीं है। कौन सी विधानसभा में आता है आपका गांव? इटमा पंचायत राजचंद्रगढ़ी नगम। अच्छा तो क्या चाहती हो? रोड और लाइट।